हिंदू मैरिज एक्ट। आज जो लेक्चर हमारा होगा वो जुडिशियल सेपरेशन, दैट इज ऑन सेक्शन 10। ठीक है जी, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। और इसके साथ इस लेक्चर के अभी जो सेक्शन 11 होगा वो भी हम लोग साथ में कवर कर लेंगे। ठीक है, दैट इज वॉइड मैरिज के रिगार्डिंग। तो जुडिशियल सेपरेशन जो एक वर्ड है, दैट मीन्स हमें इतना पता है कि हम लोग सेपरेशन की बात कर रहे हैं। मीन्स यहाँ पर हस्बैंड एंड वाइफ सेपरेट बाय लॉ किए जाते हैं, लॉ उनको सेपरेट करता है। लॉ मीन्स द कोर्ट, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। लॉ ने प्रोविजन रखी हुई है सेक्शन 10 में, हिंदू मैरिज एक्ट में, जुडिशियल सेपरेशन की। जुडिशियल मीन्स द कोर्ट, मीन्स द जज। तो जब जज बेसिकली हस्बैंड और वाइफ को सेपरेट करता है, दैट इज वी कॉल्ड जुडिशियल सेपरेशन। ठीक है जी, इसमें ग्राउंड्स होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली एज ए सिंपली अगर आप कोर्ट में जा रहे हो कि मुझे सेपरेट रहना, तो कोर्ट आपको कभी अलाउड नहीं करेगी। यू हैव टू गिव द रीजंस, यू हैव टू स्पेसिफाई द ग्राउंड्स। अगर आपको जुडिशियल सेपरेशन चाहिए तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, आप जुडिशियल सेपरेशन की डिमांड कर रहे हो, यू आर नॉट आस्किंग फॉर द डिवोर्स। कई बार हस्बैंड और वाइफ में ऐसे सिचुएशंस आ जाती हैं जहां पर वाइफ को लगता है कि अगर जुडिशियल सेपरेशन हो जाए हमारी, तो हो सकता है कि हस्बैंड ठीक हो जाए, सुधर जाए। क्योंकि जब अलग होंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो फीलिंग्स होती हैं वो अटैच हो जाती हैं। तो इसका पर्पस ये है सेक्शन 10 का कि जुडिशियल सेपरेट कर दो उनको। अगर वो अलग रहेंगे तो डेफिनेटली हो सकता है वो इकट्ठे हो जाए। दैट इज द रीजन कि जुडिशियल सेपरेशन को सेक्शन 10 में रखा गया है। हस्बैंड वाइफ को जब सेपरेट किया जाता है बाय लॉ द्वारा, मीन्स कोर्ट उनको ऑर्डर कर देता है जुडिशियल सेपरेशन का, तो उसको हम लोग जुडिशियल सेपरेशन कहते हैं। राइट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट दिस केस इज कि जो जुडिशियल सेपरेशन की बात कर रहे हैं वो वॉइडेबल मैरिज और वैलिड मैरिज में ही आप ले सकते हो। जो मैरिज ही वॉइड है उसमें जुडिशियल सेपरेशन नहीं होती, क्योंकि वो मैरिज ही नहीं है। ठीक है जी, तो दूसरा क्या कि बेसिकली हम लोग वॉइडेबल और वैलिड मैरिज दोनों में हम जुडिशियल सेपरेशन की ऑर्डर ले सकते हैं। बट इनकेस ऑफ वाइड मैरिज, लाइक इनकेस ऑफ मोनोगैमी में सपेंडर रिलेशनशिप और प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में अगर आपने मैरिज करवाई, तो वो मैरिज में जुडिशियल सेपरेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो मैरिज ही नहीं है। मैरिज अब इनिशियो वॉइड है, वो इट इज नॉट इन एग्जिस्टेंस। ठीक है जी, तो इसलिए जुडिशियल सेपरेशन दो ही में है, वॉइडेबल से वैलिड मैरिज में। ठीक है जी, तो जब जुडिशियल पार्ट सेपरेशन की बात करें, तो एक जो पार्टी होगी उसको एक पटिशन फाइल करनी पड़ेगी सेक्शन 10 के अंदर। ही हैज टू फाइल अ पटिशन फॉर द जुडिशियल सेपरेशन बिफोर द कोर्ट। तब कोर्ट उसके ग्राउंड्स देखेगी, अगर उसको लगा कोर्ट को ये रीजनेबल ग्राउंड्स हैं, लाइक उसको मारता पीटता है या उसकी प्रॉपर केयर नहीं करता, तो अगर रीजनेबल ग्राउंड्स हैं तो कोर्ट उसको जुडिशियल सेपरेटली ऑर्डर दे देगी, अदरवाइज नहीं देगी। तो यू हैव टू प्रूव द ग्राउंड्स ऑल्सो। ठीक है जी, सो इम्पॉर्टेंट एक चीज और है, इफ द पार्टीज कोहेबिट विद ईच अदर ड्यूरिंग द सेपरेशन, तो वो जो ऑर्डर है वो खत्म माना जाएगा। कोर्ट ने सपोज हस्बैंड और वाइफ को सेपरेट कर दिया, अगर वो सेपरेट हैं उसके बाद वो उसके ऑर्डर के बाद वो दोबारा फिर मिल रहे हैं, एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, दे आर स्टार्टिंग कोहेबिटिंग विद ईच अदर। ठीक है, वाइफ जो है वो बेसिकली जो मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशन है वो निभा रही है, हस्बैंड अपनी जो मैटर ऑब्लिगेशन है वो निभा रहा है, तो कोर्ट कहती है वो ऑर्डर खत्म हो गया। ठीक है जी, क्योंकि बेसिकली पर्पज जो था वो अचीव हो गया, अब वो ऑर्डर खत्म हो गया। इफ कोहेबिटेशन इज अगेंस्ट द विशेस एंड द कंसेंट ऑफ द पार्टीज, अगर कोर्ट ने उनको सेपरेट कर दिया, अब वाइफ सेपरेट रह रही है, हस्बैंड सेपरेट रह रहा है, एंड हस्बैंड ने फोर्सफुली वाइफ के साथ फिजिकल इंटरकोर्स कर दिया विदाउट हर कंसेंट, कोर्ट कहती है दिस इज अ मैरिटल रेप, आईपीसी में पनिशेबल है, मैरिटल रेप है। विदाउट द कंसेंट ऑफ वाइफ यू कैनॉट मेंटेन द रिलेशन, यू कैनॉट मेंटेन द फिजिकल रिलेशनशिप विदाउट हर कंसेंट इफ देयर इज अ जुडिशियल सेपरेशन बिटवीन द स्पाउसेस। तो ये अपराध होगा, ये क्राइम है, इट इज अ मैरिटल रेप। ठीक है जी, उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं कि जो जुडिशियल सेपरेशन है वो ऑर्डर कहां पे हम लोग नहीं कर सकते। आई मीन जुडिशियल सेपरेशन के लिए अगर आपने अप्लाई किया है,
तो कहां पे कोर्ट ज्यूडिशियल सेपरेशन आपको नहीं देगी? द फर्स्ट बेसिकली है जहां पर पर्सन ने रिनाउंस द वर्ल्ड कर लिया, इन तीनों केसेस में ज्यूडिशियल सेपरेशन कोर्ट ऑर्डर नहीं कर सकते। पहली रिनाउंस द वर्ल्ड, अगर हस्बैंड ने रिनाउंस कर दिया वर्ल्ड, सन्यासी हो गया, आश्रम में चला गया साई लाइफ वहीं पे बिताने के लिए, अब ज्यूडिशियल सेपरेशन आपको फायदा है? वहां पे फायदा नहीं है, आप डायरेक्ट डिवोर्स दो। देयर इज अ ग्राउंड रिनाउंस, अगर रिनाउंस द वर्ल्ड कर रहे हो आप तो डायरेक्ट डिवोर्स दो, ज्यूडिशियल सेपरेशन का फायदा ही नहीं है वहां पे। सेकेंड, इफ ही सेज टू बी हिंदू, अगर आपने अपना रिलीजन कन्वर्ट कर लिया और नाउ यू बिकम अ मुस्लिम, तो यहां पर तो मैरिज एग्जिस्ट नहीं कर रही, कोर्ट गई, यहां पर ज्यूडिशियल सेपरेशन का फायदा क्या है? नो डाउट मैरिज एग्जिस्ट कर रही है, बट यहां पर फायदा नहीं है ना, ज्यूडिशियल सेपरेशन देने का क्या फायदा? अगर वाइफ चाहती है डायरेक्ट डिवोर्स दे सकती है, डिवोर्स ले सकती है कोर्ट से, आप डायरेक्ट डिवोर्स के लिए अप्लाई करो, तो देयर इज नो नीड टू कि आप ज्यूडिशियल सेपरेशन, पहले आप ज्यूडिशियल सेपरेशन, तो ये बेसिकली कोर्ट क्या है कि अगर आप डिवोर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो कोर्ट पहले आपको ज्यूडिशियल सेपरेशन कर देती है। कई बार यहाँ पर चांसेस होते हैं कि आप रिकंसिलिएशन के हो सकता है, कोर्ट को लगता है कि इनके बीच में अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तो वहां पे कोर्ट कई बार ज्यूडिशियल सेपरेशन कर सकती है, बट इन केसेस में तो पॉसिबिलिटी नहीं है। अब द पर्सन ही इज द प्रेजम्पशन ऑफ डेथ, 7 साल हो गए, उसका वेयर अबाउट नहीं पता, कहां पे है कहां पे नहीं है, इवन जो उसके ब्लड रिलेटिव्स थे उनको भी नहीं पता कि वो कहां पे है। अब उस केसेस में प्रेजम्पशन ऑफ डेथ is the best ground for the divorce, and there is no need to file a petition for the judicial separation, it has no purpose. So these three grounds, ye teen grounds hai hamare jahan par judicial separation ke liye court kabhi aapko allow karegi, aap direct divorce le sakte, theek hai ji? So ye important hai, simple sa hai, judicial separation sirf voidable the valid marriage mein, ye kafi bar pre mein question aa chuka hai। वॉइड मैरिज में कभी ज्यूडिशियल सेपरेशन नहीं होती, वॉइडेबल मैरिज इज अ वैलिड मैरिज अंटिल अंटिल एंड अनलेस इट इज डिक्लेयर्ड बाय द पार्टी टू बी अ वॉइड, ठीक है जी? तो ये है जी ज्यूडिशियल सेपरेशन का। नाउ सेक्शन 11 की अगर हम बात करें, हाँ जी, इन आवर अर्लियर लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मोनोगैमी स्पिंडर रिलेशनशिप एंड प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, हमने काफी डीप में इनको ऑलरेडी डिस्कस किया है। दीज थ्री ग्राउंड्स, ये जो ग्राउंड्स हैं यहां पर मैरिज है बेसिकली वो वॉइड है। अगर आप मोनोगैमी के कंसेप्ट को वायलेट करते हो, दैट मीन्स अगर बाइगैमी कमिट करते हो तो सेकेंड मैरिज इज वॉइड। अगर आपने स्पिंडर रिलेशनशिप में मैरिज करवा लिया, इट बिकम वॉइड। अगर आपने प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में मैरिज करवा लिया, इट बिकम वॉइड। लेकिन जो इश्यू होगा, जो चिल्ड्रन होंगे, जो चाइल्ड होंगे इन तीनों मैरिज में, वो लेजिटिमेट है। हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 16 सेक्शन 16 gives the protection to the children. It says that the child from the void and from the voidable marriages are legitimate. वो legitimate है, ठीक है जी?
तो ये तीन कंसेप्ट है हमारे वॉइड मैरिज में। अगर कोई पर्सन मोनोगैमी के कंसेप्ट को वायलेट कर रहा है, अगर कोई पर्सन स्विंगल रिलेशनशिप के कंसेप्ट को वायलेट कर रहा है, अगर कोई पर्सन प्राइवेट रिलेशनशिप में मैरिज करवा रहा है, तो वो मैरिज वॉइड होंगी। अब वॉइड में जुडिशियल सेपरेशन पॉसिबल नहीं है। वॉइड मैरिज में आपको डिवोर्स लेने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि वो तो मैरिज एग्जिस्ट ही नहीं करती। इट नेवर एग्जिस्ट, दैट इज दैट वी कॉल इप्सो जीरो। ठीक है जी, इप्सो जीरो, इट्स वॉइड इप्सो जीरो। जो चीज एग्जिस्टेंस भी नहीं है, क्योंकि मैरिज तो है ही नहीं, हमें पार्टी में वो मैरिज ही नहीं है, हम उसको मैरिज मानते नहीं है, तो वो बेसिकली है वॉइड इप्सो जीरो। ठीक है जी, मींस नॉट इन एग्जिस्टेंस। ठीक है जी, तो एक बात तो कंप्लीट हो गई कि ये तो मैरिज नहीं है। अगर ये मैरिज नहीं है, वो हस्बैंड वाइफ नहीं है। अगर वो हस्बैंड वाइफ नहीं है, तो उनकी कोई ऑब्लिगेशन ड्यूटीज नहीं है, कोई राइट नहीं है उनका। अगर एक की डेथ होती है, दूसरा पर्सन इनहेरिटेंस क्लेम नहीं कर सकता कि प्रॉपर्टी मुझे मिलेगी। एंड इवन दे कैन नॉट क्लेम द मेंटेनेंस, वो मेंटेनेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि मैरिज एग्जिस्ट नहीं कर रही। वॉइड मैरिज इज टोटली वॉइड, मींस इप्सो जीरो एंड नॉट इन एग्जिस्टेंस। ठीक है जी, तो ये पहला इफेक्ट होगा कि पहली बात कोई कॉन्सिक्वेंसेस, ये इंपॉर्टेंट है कि कोई लीगल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होगा उसको, नो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। कोई ड्यूटीज नहीं, कोई राइट्स नहीं है पार्टीज के एक दूसरे के अगेंस्ट। ठीक है जी, दूसरा जो बच्चे होंगे उसके वॉइड मैरिज में, दे बिकम अ लेजिटिमेट अंडर सेक्शन 16 में उनको प्रोटेक्शन मिल रही है, शेल्टर मिल रहा है। दैट मीन्स वो अपने पेरेंट्स से प्रॉपर्टी क्लेम कर सकते हैं, इवन दे कैन आस्क फॉर द मेंटेनेंस। ठीक है जी, वो मेंटेनेंस के लिए कह सकते हैं कि हमें मेंटेन किया जाए। तो ये लीगल कॉन्सिक्वेंस बच्चों को लेके हैं, पार्टीज का आपस में कोई लीगल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है। ठीक है जी, तो वॉइड इप्सो जूर, ये वॉइड इप्सो जूर का मतलब क्या है? दैट मीन्स टू से मीन्स वॉइड फ्रॉम द वेरी इंसेप्शन, मीन्स फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ठीक है जी, एंड हैव टू बी इग्नोर्ड, हम उसको इग्नोर करते हैं। हम लोग ये मानते हैं कि इट्स नॉट इन एग्जिस्टेंस, वो एग्जिस्टेंस में नहीं है, क्योंकि वो मैरिज ही नहीं है। और तो यहाँ पे आपने चाहे 7 फेरे ले लिए प्राइवेट रिलेशन पे, लेकिन वो क्योंकि आपको प्रोहिबिट किया गया है और आपके लिए वो सेक्शन में मेंटेन किया गया कि स्पिंडर मैरिज में आप मैरिज नहीं करवा सकते, तो डेफिनेटली अगर करवाते तो वो मैरिज वॉइड मान जाएगी। ठीक है, इसलिए आपके लिए ये है। ठीक है जी, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसमें एक केस हुआ था हमारा, एमएम मल्होत्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है जी, एआर 2006 सुप्रीम कोर्ट 80 पेज, 2006 एआर सुप्रीम कोर्ट 80 पेज है। इस केस में क्या कहा कोर्ट ने? कोर्ट ने कहा कि आपको वॉइड डिक्लेयर करने की जरूरत ही नहीं मैरिज, देयर इज नो नीड टू डिक्लेयर द वॉइड मैरिज, टू डिक्लेयर इट वॉइड, क्योंकि बेसिकली वो तो मैरिज है ही नहीं। इन द आईज ऑफ लॉ इट हैज नो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। In the eyes of law, the parties are not husband and wife. In the eyes of law, only the issue being the child has some legal consequences, means has some right. So, वो section 16 में affect कर रहा है, otherwise party का कोई आपस में right नहीं है। ठीक है जी, तो ये section 16 है जी, हाँ जी, ठीक है, तो ये आप ध्यान से देख लेना, सेक्शन 11 एंड सेक्शन 10, बेसिकली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्री पॉइंट ऑफ व्यू। तो दिस इज द लेक्चर जो हमने आज किया, वो सिर्फ सेक्शन 10 के रिगार्डिंग हम लोग बात करें, जुडिशियल सेपरेशन सिर्फ वॉइड और वॉइडेबल मैरिज में अलाउड है, सॉरी, ठीक है जी, वैलिड मैरिज और वॉइडेबल में, वॉइड मैरिज में कभी भी जुडिशियल सेपरेशन नहीं होती। ठीक है जी, और सेक्शन 10 मीन्स वॉइड मैरिज, हमने ऑलरेडी किया हुआ है तीन कंसेप्ट जब हम डेफिनेशन कर रहे थे, मोनोगैमी का, स्पिंडर और प्राइवेट रिलेशनशिप का। तो ये तीनों कंसेप्ट हैं बेसिकली, मैरिज वॉइड होगी और उसका कोई लीगल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होगा, कोई राइट्स, कोई ड्यूटीज कुछ नहीं है। एक ही डेथ होती है जो दूसरा पर्सन इनहेरिट नहीं कर सकता। ठीक है जी, सो ऑल अबाउट सेक्शन 10 एंड 11, इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज आप कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।